दोस्तों आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। जैसे कि आपको पता ही है, इस रेंज में काफ़ी तगड़ा फ़ोन इसको बताया जा रहा है अपनी रेंज में, और साथ ही साथ में काफ़ी सारे लोगों ने इसको परचेज भी कर लिया है। और मैं आपको बताऊं तो इसका आज हम इसके एक नए फीचर के बारे में बात करने वाले हैं, बिल्कुल एक यूनिक फीचर जो कि हमें सैमसंग की A सीरीज में देखने को मिलता था, वो है सिक्योर फोल्डर। मैं आज आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, कैसा फीचर है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो माई नेम इज अक्षित, वेलकम बैक टू माई YouTube channel, so let's get started। तो फ्रेंड्स ये हमारा सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि जो सिक्योर फोल्डर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो जैसे ही मेन्यू ओपन करते हैं, हमें अगर आप एक आधी बार स्लाइड करके देखेंगे तो आपको सिक्योर फोल्डर का एक ऐप देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो एग्जैक्टली जो सिक्योर फोल्डर है काम किस तरीके से करता है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपने सुना होगा MIUI जो MI के फ़ोन्स में आता है, सेकेंड स्पेस जो उसका ऑप्शन है, उसी की तरह लगभग काम करता है। और जैसे ही आप इसको जब ओपन भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ, ये कुछ प्रीलोडेड ऐप्स इसमें आपको देखने को भी मिलते हैं, और साथ ही साथ में ऐप्स अगर आप कोई डाउनलोड करते हैं तो आप इसको एज अ एक ऐप लॉक की तरह भी इसमें रख सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले अच्छी तरह एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, जैसे मैंने ओपन कर लिया तो बताऊँ, जो गैलरी में भी जो मेरा डाटा है, जो मेरा जो मेन गैलरी है इसमें जो भी डाटा है, ये डाटा बिल्कुल भी इस वाली गैलरी में शो नहीं होने वाला। ये गैलरी आपकी एक बिल्कुल प्राइवेट फ़ोटोज़ के लिए रहने वाली है, जो आप प्राइवेट रखना चाहते हैं। इस गैलरी का डाटा आपकी नॉर्मल गैलरी में शो नहीं होगा, और इस गैलरी का डाटा आपकी सिक्योर फोल्डर वाली गैलरी में बिल्कुल शो नहीं होगा। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन देखने को हमें मिल रहा है, इस पर हम क्लिक करके कोई भी ऐप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर व्हाट्सएप को मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ऐड हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आपको दिखा दूँ पहले मैं कि इसको मैं पहले मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरा ये जो व्हाट्सएप है इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे एक अलग व्हाट्सएप चल रहा है, और साथ ही साथ में सिक्योर फोल्डर वाला जो मैं अगर व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक नई आईडी आप अपनी व्हाट्सएप की लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल से पता भी चल गया होगा कि ये किस तरीके से सिक्योर फोल्डर वर्क करता है। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं इसमें जो आपके फ़ोन में नहीं है, तो आप यहाँ से डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर भी कर सकते हैं, या फिर गैलेक्सी स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये हमने मैंने आपको बताया कि आप व्हाट्सएप का इसमें कोई और आईडी भी अपनी चला सकते हैं बड़े आराम से, और कोई भी अगर ये जो आईडी आपका नॉर्मल व्हाट्सएप में शो नहीं होगा, और जो वो वाला व्हाट्सएप है इसमें उसकी आईडी शो नहीं होने वाली। जैसे ही मैंने आपको व्हाट्सएप का करके दिखाया, आप ऐसा ही बिल्कुल सारे ऐप्स में कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक सिक्योर्ड बाय केनॉक्स भी लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पास ला के दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सिक्योर्ड बाय केनॉक्स, तो दोस्तों ये बिल्कुल सिक्योर रहेगा, बिल्कुल भी आपका डाटा है वो बिल्कुल भी लीक नहीं होने वाला। तो दोस्तों और मैं आपको उसके फीचर के बारे में बताता हूँ। जब हम यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपके थ्री डॉट दिख रहे होंगे, जब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऐड फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम ऐड फाइल्स पे क्लिक करने वाले तो हम कोई इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स भी इसमें अपने ऐड कर सकते हैं, जो कि फुल्ली सिक्योर रहने वाले हैं। और अगर हम दोबारा थ्री डॉट्स पर जाते हैं तो हमें यहाँ पे कस्टमाइज़ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है कि हम सिक्योर फोल्डर का नाम क्या रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ में उसका लोगो क्या रखना चाहता है। जैसे कि मैं आपको कोई एक लोगो बदल के दिखाता हूँ, मैंने ये लोगो कर दिया है, तो इसको यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, और जो हमारा सिक्योर फोल्डर का जो लोगो है वो बदल चुका है, जैसे कि आपको दिख ही गया होगा। तो दोस्तों अगर हम इसकी और सेटिंग्स के बारे में बढ़ें तो हम आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हम इसमें लॉक टाइप अगर हम पासवर्ड लगाना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं, तो वो भी हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जो भी हम लगाना चाहते हैं इसमें। साथ ही साथ में ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर, आप कितनी देर में इसको लॉक करना चाहते हैं, ईच टाइम व्हेन द स्क्रीन ऑफ आफ्टर 30 मिनट्स, आप ये भी यहीं से सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन एंड डाटा में जाके आप शो कंटेंट और ऐप नोटिफिकेशन, किस किस ऐप के आप नोटिफिकेशन इनेबल रखना चाहते हैं जो कि सिक्योर फोल्डर में है, आप वो भी यहीं से सेट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट इन्फो भी आप देख सकते हैं, और क्लिपबोर्ड को भी आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ कॉपी करते हो और आपको दूसरे व्हाट्सएप में लाके पेस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड को अलाउ करना होगा, क्योंकि वो कॉपी जो है वो क्लिपबोर्ड पे ही होता है। तो उसमें हमें और भी फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऐड सिक्योर फोल्डर टू योर ऐप स्क्रीन। तो दोस्तों जिससे अगर हम डिसेबल कर दें, अगर इसको डिसेबल हम कर देंगे तो यहाँ से हमारा ऐप स्क्रीन से जो सिक्योर फोल्डर है वो हमारा गायब हो जाएगा। अगर जैसे मैंने अभी इनेबल कर रखा है तो ये हमारा ऐप स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा,
और मैं आपको और सेटिंग्स के बारे में बताऊं तो इसमें हमें क्विक स्विच का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो टर्न ऑन क्विक स्क्रीन जब हम करेंगे तो किसी भी ऐप पे अगर है, जैसे कि अगर मैंने कॉन्टैक्ट्स इसमें ऐड कर रखे हैं, तो जैसे ही मैं अपने लॉक जो पावर बटन है उसको डबल टैप करूँगा तो जो वो आपके जो है वो प्राइवेट फोल्डर में आपको ले जाएगा जो आपने सिक्योर फोल्डर में डाल रखी है। दोस्तों यहाँ पे मेरे को जनरल सेटिंग्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कोई ऐप अगर आप अपने मोबाइल्स के ऐप चेक करना चाहते हैं, अपने अकाउंट इसमें जो है वो मैनेज करना चाहते हैं, इसका बैकअप आपने बनाया तो आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, और डाटा यूसेज करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, ये सारी कुछ आपको एक जनरल फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। और अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में आप अपना सिक्योरिटी अपडेट्स और क्रेडेंशियल स्टोरेज आप देख सकते हैं इसमें अपना। दोस्तों ये था फुल डिटेल एक सिक्योर फोल्डर का, मैंने आपको सब कुछ बताया कैसे सिक्योर फोल्डर वर्क करता है, क्या ये सिक्योर फोल्डर है, पूरा आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। दोस्तों ये था इसका एक फुल डिटेल रिव्यू एक तरीके से, कि क्या क्या सिक्योर फोल्डर है, क्या क्या इसमें हमें नए फीचर देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करता है, सारा मैंने आज आपको बताया है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो हमारा सिक्योर फोल्डर, ये जो ऐप है हमारी, अपने आप में एक सेकंड स्पेस की तरह वर्क करता है, और साथ ही साथ में आप इसको एक ऐप लॉक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सैमसंग के डिवाइसेस में प्रोवाइड नहीं करा जाता, और साथ ही साथ में ऐप लॉक नहीं तो आप इसको अपने प्राइवेट स्पेस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें, हम आपको उसका फटाफट से आंसर दे देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।